नमस्कार माझ्या सर्व प्रिय मित्रांनो, काही दिवसापूर्वी हाऊ ॲन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स याबद्दल आमच्या वीज सुरक्षा अभियानवरते हा व्हिडिओ आमच्या एका तज्ज्ञ मित्राने टाकला आणि आता हा व्हिडिओ आपण कृपया पहा. पण त्यासोबत याबद्दल मला आणखी वेगळं काही बोलायचं आहे, ते असं की जर आपण या ट्रॅक्शन इलेक्ट्रिकल ट्रेनला जवळजवळ 22 ते 25 केव्ही सप्लाय देतो, मग या गाडीमध्ये जे प्रवासी बसून प्रवास करतात त्या प्रवाशांना शॉक का लागत नाही ह्यावर कुणीही विचार करत नाही. आणि माझ्या 1-2 लेक्चरमध्ये मी हा विषय हाताळला आणि विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितलं की जरी इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन ट्रेनला जरी 22 ते 25 किमी सप्लाय दिला जात असला तरी यामध्ये जे काही सर्किट आहे, जे लोड आहे, निरनिराळ्या प्रकारची मोटारी आणि त्याला बाकीच्या ॲक्सेसरीज, तर जे काही हे व्होल्टेज आहे 22 ते 25 केव्हीचं, हे लोड एंडला जवळजवळ 0 होतं अर्थिंग एकदम चांगला असल्यामुळे. आणि जी ट्रेनची बॉडी मेटल बॉडी आहे, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू द रनिंग व्हील्स अँड रनिंग व्हील्स आर इन कनेक्शन विथ द रेल्स ऑफ द रेल्वे अँड दीज रेल्स आर व्हेरी एफिशियंटली अर्थ ॲट रेग्युलर इंटरवल्स. त्यामुळे जे प्रवासी आपण ट्रेनमध्ये बसलेलो असतो ते एकतर सर्व 0 पोटेन्शियल आणि इक्विपोटेन्शियलला असतात. त्यामुळे जरी या ट्रेनला 22 ते 25 केव्ही सप्लाय असला तरी आपल्याला शॉक लागत नाही. आणि हा जो सप्लाय जेव्हा ट्रॅक्शन मोटरला दिला जातो तर इन्सुलास फार मोठे योग्य कपॅसिटीचे इन्सुलेटर बसवलेले असते आणि आतमध्ये जी काही इक्विपमेंट असतात त्यांची जी इन्सुलेशन स्कीम आहे अतिशय स्ट्रॉंग आहे, उच्च दर्जाची आहे, मेंटेनन्स चांगला आहे. त्यामुळे आपल्याला या ट्रेनमध्ये कुठलाही शॉक लागायचा शक्यता नसते, वाटत नाही आणि लोक अतिशय विश्वासाने या गाडीमध्ये बसतात. त्याचं हे कारण आहे. कारण कोणतं? अतिशय स्ट्रॉंग, चांगलं मेंटेनन्स, स्ट्रॉंग इन्सुलेशन, अगदी एफिशियंट अर्थिंग. त्याशिवाय अतिशय इमिजिएट ऑपरेट होणारे रिलेज वगैरे वगैरे वगैरे. कारण या ठिकाणी हजारो जीवांचा प्रश्न असतो आणि त्याची योग्य इथे दक्षता घेतलेली असते. आणि मंडळींनो, माझा मुद्दा मी हा जो समजावून सांगितला त्याच्यासाठी कृपया हा व्हिडिओ पहा आणि मी जे सांगितलं ते याच्याशी टॅली करून पहा, कम्पेअर करून पहा आणि मग मला सांगा की ट्रेनमध्ये बसणाऱ्या माणसाला शॉक लागणं शक्य आहे की नाही. जर शंका असेल तर काही पुढे क्वेश्चन माय सेल नाऊ सी द व्हिडिओ अँड आफ्टर दॅट आय विल टॉक. तो ये मेरे ओल्ड
गोल्ड एंड गोल्ड सीरीज का एक स्पेशल वीडियो है जहां मैं अपने पुराने वीडियोस को आप सभी के सामने नए ढंग से पेश करूंगा। इस सीरीज में मैंने अपने पुराने कुछ 10 से 15 वीडियोस को जगह दी है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। खैर, आज का टॉपिक ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे में मेनली दो तरह के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चलते हैं, एक जो कि अल्टरनेट करंट पे चलते हो और दूसरे डायरेक्ट करंट पे। यहाँ पे करंट का मतलब ये है कि जो उनके ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो किस तरह करंट पे चलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पुराने लोकोमोटिव्स हैं जैसे कि WAM4, WAG5, WAG7 और WP4, जिनके जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे मॉडर्न लोकोमोटिव्स हैं जिनके ट्रैक्शन मोटर्स 3-phase AC का यूज़ करते हैं, जैसे कि WP5, WP7 और WAG9। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ओवरहेड वायर्स से, क्योंकि इनके बिना जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है वो ऑपरेट नहीं कर सकती। इन ओवरहेड वायर्स में सिंगल फेज की करीब 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। और याद रखिए कि इतना सारा करंट एक लोकोमोटिव को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ऊपर ओवरहेड वायर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ओवरहेड वायर्स नजर आएंगे। हालांकि पेंटोग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही ओवरहेड वायर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको दो ओवरहेड वायर्स दिखाई देंगे। अगर हम सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट वायर का यूज करेंगे तो हो सकता है कि अंतराल के बाद जो ओवरहेड वायर्स हैं वो ऐसे लटक जाएं और जो लोकोमोटिव्स हैं उनका पेंटोग्राफ इनके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पे दो वायर्स का यूज होता है। सबसे ऊपर की तरफ जो वायर होती है उसको हम कैटनरी वायर बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जो वायर होती है जो एक्चुअली में पेंटोग्राफ के कॉन्टेक्ट में आती है उसको हम कॉन्टेक्ट वायर बोलते हैं। कैटनरी वायर में कोई करंट नहीं होता, वो तो एक सपोर्टर वायर होती है जो ड्रॉपर की हेल्प से जो मेन वायर होती है या जो कॉन्टेक्ट वायर होती है उसको स्ट्रेट रखती है। खैर, अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को देखें तो ये कुछ भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टर्स, कैपेसिटर्स और रेक्टिफायर्स हैं। और एक थोड़ी सी जगह में लोको पायलट्स के लिए केबिन होता है जहां से वो पूरे लोकोमोटिव्स को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब इस लोकोमोटिव के ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि इस लोकोमोटिव के अंदर हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोकोमोटिव का बैटरी, क्योंकि इसी के हेल्प से जो इनिशियल पावर सप्लाई होती है वो लोकोमोटिव्स को दी जाती है। बिना इसके जो पेंटोग्राफ है वो ओवरहेड वायर से कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, और अगर ओवरहेड वायर से सप्लाई मिलेगी नहीं तो लोकोमोटिव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के टॉप पार्ट पे पेंटोग्राफ और सर्किट ब्रेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही अगर बीच में हम आए तो यहाँ पे आपको रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे नीचे सतह पे ट्रैक्शन मोटर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैटरी, कंप्रेसर, कूलिंग फैन और एक्सल ब्रश जो व्हील से अटैच होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एकदम ब्रीफ या एकदम संक्षेप में देखते हैं कि जो सारे कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम कैसे करते हैं। सबसे पहले पेंटोग्राफ 25 kV करंट को नीचे की तरफ लेकर के आता है, और यहाँ पे उसका सामना होता है सर्किट ब्रेकर से। सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक हिस्सा है जो लोकोमोटिव्स को सेफ रखता है। हाई वोल्टेज हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, यही सर्किट ब्रेकर जो है वो लोकोमोटिव्स को खराब होने से बचाते हैं। और इसके बाद ये जो हाई वोल्टेज करंट होता है इसका सामना होता है ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस हाई वोल्टेज को स्टेबल किया जाता है। फिर इसके बाद इस स्टेबल करंट का सामना होता है रेक्टिफायर से। यहाँ पे जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो इस अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर जो लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर है वो डीसी पे काम करता है तो उसे यहाँ से डायरेक्ट करंट मिल जाता है, लेकिन अगर लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर है वो 3-phase AC पे काम करता है तो इस डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर की हेल्प से 3-phase AC में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आखिरी में इस 3-phase AC को 3-phase AC ट्रैक्शन मोटर को सौंप दिया जाता है। उसके बाद ट्रैक्शन मोटर खुशी से घूमता है और अपने साथ साथ व्हील्स को भी घुमाता है, जिस कारण से जो लोकोमोटिव है वो आगे बढ़ता है। एक डाउट जो आप सभी के मन में आता है कि ऊपर तो सिंगल फेज का वायर है, फिर ये जो सर्किट है वो कंप्लीट कैसे होता है? तो सर्किट को कंप्लीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सल ब्रश। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का एक फेज आपको एक्सल ब्रश से लगा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे होता ये है कि जो एक्सल ब्रश होता है वो अटैच होता है व्हील से, और जो व्हील्स होती है वो अटैच होती है रेल से यानी कि ट्रैक से, और फाइनली जो ट्रैक्स होते हैं वो अटैच होते हैं ग्राउंड से। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है।
अब एक और डाउट आप सभी के मन में ये आता है कि जो लोकोमोटिव की स्पीड होती है वो कैसे कंट्रोल होती है। बहुत सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे जो करंट की जो इंटेंसिटी होती है, जो वोल्टेज होता है, उसको कंट्रोल करके लोकोमोटिव की जो स्पीड है उसको बढ़ाया और घटाया जाता है। अगर बात करें पुराने लोकोमोटिव जैसे कि WM4, WG5, WG7 और WP4, तो वहाँ पे टैप चेंजर का यूज़ होता था। मतलब अभी भी होता है, यहाँ होता ये है कि लोको पायलट के केबिन में एक हैंडल होती है जिसको कंट्रोल करके लोको पायलट जो है वो नॉच सेट करता है। मतलब 1 से लेकर के 32 तक वो नॉच सेट कर सकता है। शुरुआत में किसी भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए नॉच 1 पे बहुत ज़्यादा करंट का यूज़ होता है। और इसके बाद जब ट्रेन धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है तो जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी नहीं होती। खैर अगर बात करें मॉडर्न लोकोमोटिव जैसे कि WP5, WP7, WG9, तो यहाँ पे टैप चेंजर नहीं बल्कि GTO थायरिस्टर या फिर IGBT कंट्रोल का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं हर हफ्ते ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में से कम एक वीडियो आप सभी के सामने पेश जरूर से करूंगा, और बाकी के वक्त में जो नॉर्मल जो नए वीडियो होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सभी को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार मंडळी, हा जो मी व्हिडिओ माझ्या मित्रांनी पाठवला, पहिले त्यांचे आभार मानतो, कारण ह्या व्हिडिओद्वारे मला आपणाला समजावून सांगता आले की गाडीमध्ये बसणाऱ्या माणसाला शॉक का लागत नाही जेव्हा ट्रॅक्शनला गाडीला 22 ते 25 KV सप्लाय दिला जातो। मला वाटतं आपल्याला हा मुद्दा समजला असेल की इलेक्ट्रिक रेल्वेमध्ये शॉक का लागत नाही। आणि फॉर सच इन्फॉर्मेटिव्ह अर्थिंग रिलेटेड व्हिडिओज काइंडली सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब व्हिडिओ चॅनल। थँक्यू। माझे रामदास खंडागळे, इन्स्टार चीफ इंजिनिअरिंग एसिबी अँड नॅशनल सेफ्टी कमिशन मेंबर। आणि यामध्ये जर मी सांगितल्यापैकी काही चुकलं असेल, समजणार असेल, काइंडली रेफर टू मी बाय वे ऑफ मेसेज, पोस्ट ऑर फोन। थँक्यू।